ओके, तो आलिया भट्ट की लॉन्ग टाइम अनाउंस मूवी जिगरा का टीजर ट्रेलर हमें अब फाइनली देखने को मिल गया है, जो कि डिस्पाइट बीइंग अ टीजर ऑलमोस्ट 3 मिनट का है, जिसके अंदर हमें कहानी के बारे में एक छोटा मोटा ओवरव्यू दिया जाता है, जिसके बारे में हम लोग इन डिटेल बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट पॉइंट, जो कि है इसके अंदर की स्टोरी। तो बेसिक जो हमें समझ में आ रहा है वो यही है कि इसके अंदर बहन भाई के बीच का बॉन्ड दिखाया जाने वाला है, जिसके अंदर आलिया भट्ट को एज अ सॉर्ट ऑफ फाइटर के तौर पे दिखाया जाएगा, जो कि अपनी फैमिली या फिर स्पेसिफिकली अपने भाई के लिए दुनियाधारी से एक्चुअली में लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। एंड इसका भाई जो है वो बेसिकली जेल के अंदर कहीं कैद वैद होगा, मोस्ट प्रोबेबली चाइना के अंदर, क्योंकि सीन्स ऑफ कोर्स वहीं के दिखाए गए हैं। तो हो सकता है भाई ने कुछ कांड करा हो, जिसके चक्कर में चाइना में जाके अटक गया होगा जेल में, एंड उसे बचाने के लिए ये लिटरली बच्चन बनने को राजी है। एंड कह सकते हैं कि यही ओवरव्यू के साथ में जिगरा मूवी को प्रेजेंट करा गया है, एटलीस्ट के टीजर के अंदर। जिस तरीके भाई एग्जीक्यूशन के मामले में मैं कहूंगा ये मूवी 10/10 होने वाली है, अभी से लिख के ले लो, क्योंकि इसका टीजर सही मायनों में काफी सारे प्रोमिसेस करता है, जो कि मैं बिलीव करता हूं कि मूवी डिलीवर भी करेगी। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज एक्चुअली प्रीटी ऑब्वियस, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं वसंत बाला, जो कि माइंड यू अपनी फिल्मोग्राफी के अंदर मर्द को दर्द नहीं होता एंड मोनिका उमा डार्लिंग को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। सो यार, डायरेक्शन एंड एग्जीक्यूशन एक्चुअली फील्स प्रॉमिसिंग। एंड हाँ, उसी के साथ में इसकी सिनेमेटोग्राफी भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से करी गई है, जिसे लेके पता है यूनिकनेस क्या है कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा कम सीन्स दिखाए हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम तक उन्हें दिखाया गया है। काफी ज्यादा ठहराव उसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि आपको एसेस करने का टाइम देता है कि आखिर सीन हमें दिखाना क्या चाह रहा है, विच इज एक्चुअली क्वाइट गुड। बाकी बात करी जाए एक्ट्रेस की, तो भाई मेन लीड के तौर पे हमें आलिया भट्ट देखने को मिली एंड शी लुक्स एब्सोल्युटली किलर। लाइक एज अ एक्ट्रेस उन्होंने अपने आप को पहले भी एस्टेब्लिश करके रख रखा है, एंड इसके अंदर भी लग रहा है कि परफॉर्मेंस के ऊपर शी इज गोइंग टू नेल इट। बाकी उनके अलावा मेन लीड के तौर पे हमें देखने को मिल रहे हैं वेदांग रैना, जो कि इससे पहले आर्चीज कर चुके हैं। तो एक काम करते हैं कि इनके पॉइंट को फिलहाल के लिए स्किप भी करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मूवी के अंदर इनका काम अच्छा निकल गया है। बाकी एक और चीज की तारीफ करनी बनती है, जो कि इसके अंदर का बैकग्राउंड स्कोर लाइक भाई नेल कर दिया कसम से, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसका बैकग्राउंड स्कोर हमें सुनने को मिलता है। एंड वो जो मतलब कहता है कि भाई बहनों वाले बॉन्ड वाला जो बजता है गाना फूलों का तारों का, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने कह सकते हैं कि रीमिक्स कराया पहली बार, विच एक्चुअली फील्स प्रॉमिसिंग एंड गुड एट द सेम टाइम। पर हाँ, सवाल अभी भी मेरा वही है कि भाई टीजर ट्रेलर 3 मिनट का कैसे हो सकता है। ठीक है, 1.5-2 मिनट तक समझ में आता है, पर 3 मिनट का, मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई ट्रेलर इससे भी ज्यादा लंबा ना करने लग जाए, वरना कहानी पूरी की पूरी ही रिवील हो जाएगी एंड मजा नहीं आता फिर उसके बाद। ओवरऑल जिगरा मूवी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, बट हाँ, ये हमारे बैडएस के सामने रिलीज होने वाली है, तो कह सकते हैं कि 11 अक्टूबर को इस मूवी को एक्चुअली में काफी ज्यादा टफ कंपटीशन मिलने वाला है। बाकी यही था मेरा ओपिनियन इसके टीजर ट्रेलर को लेकर। तुम्हारा क्या, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड टिल देन, बाय।